Yes, ma'am. So see now, this is illustration number two. I think you can do it in homework. Let me just explain you. Expected returns and beta factors of three securities are as follows. See, three securities are given: Parrot Limited, Dove Limited, and Eagle Limited. These are the average returns, means actual returns. ये तो तभी निकालना है जब मुझे, I mean ये तब use आएगा जब मुझे ranking करनी होगी. Beta factor is given. RF is 8% and market returns means RM is 15%. Everything is given, ready-made available. Calculate returns means expected returns for each security under KPM model. So will you be able to do it? See, for every for every portfolio, RF is 8 and RM is 15. What will change is beta. That's it. Yes, ma'am. So do it in homework, second sum. Look at third one. You are required to calculate beta and expected returns, beta factor and expected returns of Patru and Motu. Wow. Using KPM. Risk-free returns is 7%. RF is given as 7%. Now listen, in this question, beta is not given. Now I suppose you remember how to calculate beta. What was the formula of beta? Beta हमने सीखा था ना chapter number 2 में, portfolio analysis and selection वाला. याद आया जिसमें हम covariance निकालते थे और standard deviation of market? Yes, ma'am. दोनों को divide करते थे. तो covariance कैसे निकालते हैं? Summation of RS minus RS bar bracket RM minus RM bar whole divided by N minus 1. ये covariance की formula. और denominator में हमारा होता था standard deviation of market. तो standard deviation की formula summation of RM minus RM bar the whole square divided by N minus 1. फिर जो covariance का answer है और जो standard deviation का answer है, दोनों को divide करते थे तो beta मिलता था. याद आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, in short, अभी मुझे क्या करना है? पहले beta calculate करना है और उसके बाद expected returns calculate करने हैं KPM method की मदद से. RF कितना दिया हुआ है? 7%. और क्या-क्या information दिए? चलो देखते हैं. Year, 4 years दिए. Average returns दिए of Patlu Limited, P Limited and M Limited returns दिए हुए हैं. Market के returns भी दिए हुए हैं. क्योंकि RM minus RM bar भी तो चाहिए. अब देखो दो चीज, दो हैं, एक Patlu कंपनी, एक Motu कंपनी है. तो दो है ना, P Limited एंड M Limited. तो अब मैं डिनोट कैसे करूंगी? RS से नहीं कर सकती, RP एंड RM. तो RM RM डिफिकल्ट हो जाएगा ना, दोनों सेम लगेंगे फिर सेकंड में. RM नहीं लिख सकते. तो एक काम करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं R1 R2, चलेगा ऐसा? Yes, ma'am. हाँ, मतलब क्योंकि फिर वो M Limited का जो दिया हुआ है वो भी RM हो जाएगा और market का जो दिया हुआ है वो भी RM, तो RM RM confused हो जाओगी. तो हम क्या करेंगे, RP को लिखेंगे R1 और RM को लिखेंगे R2. अभी ठीक है सबके लिए ऐसा? Yes, ma'am. अभी देखो कैसे करना है. हम लोग एक का अभी हम करेंगे, दूसरे का homework है. ये Patlu Limited वाला है ना, वो अभी हम करेंगे. कैसे करना है पहले देख लीजिए आप. पहले पूरा मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ. देखो अब मुझे फॉर्मूला के हिसाब से क्या क्या चाहिए. कोवरेंस की फॉर्मूला में चाहिए होता है आर पी माइनस आर पी बार, आर एम माइनस आर एम बार. तो पहले तो बार निकालना पड़ेगा, मतलब मीन एवरेज निकालना पड़ेगा, मीन एवरेज. ठीक है, तो कॉलम्स कैसे बनाएंगे? जो दिए हुए वो पहले कॉलम्स बना लेंगे. ईयर का कॉलम, कैलकुलेशन ऑफ बीटा सबसे पहला नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ वन Patlu Limited. सो ईयर का कॉलम, आर पी का कॉलम एंड आर एम का कॉलम. आर एम मतलब ये वाला लास्ट वाला. ये कॉलम में से फिगर्स को कॉपी कर लेने का, 15, 12, 13, 12 ये आपने लिख दिया आर पी में और 14, 13, 12, 12 ये आपने लिख दिया आर एम में. अब आपको चाहिए क्या? आर पी माइनस आर पी बार. तो पहले नीचे आ जाओ, वर्किंग नोट बनाएंगे. सॉरी
कैलकुलेशन करेंगे. नंबर वन आरपी बार. आरपी बार की फॉर्मूला क्या होती है कोई बताएगा? हम आरपी नहीं लिखेंगे, हम आर वन लिखेंगे. सो बताओ आर वन बार कैसे निकालना है? समेशन ऑफ आर वन डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ ईयर. हाँ, समेशन ऑफ आर वन अपॉन एन. तो आपका आर वन का समेशन मतलब टोटल क्या है? 52. 52 डिवाइड बाय 4 इयर्स. तो आंसर आया आपका आर वन बार 13. तो अब आपको क्या करना है, आर वन को आर वन बार से माइनस करते जाना है. 15 माइनस 13 2, 12 माइनस 13 माइनस 1, 13 माइनस 13 0, 12 माइनस 13 माइनस 1. अब आपको क्या करना है, ऐसे सेम आर एम बार निकालना है. तो आर एम बार निकालने के लिए आर एम का टोटल चाहिए. समेशन ऑफ आर एम मतलब 51 डिवाइड बाय एन मतलब 4. तो 51 डिवाइड बाय 4 आपका आएगा 12.7. अब आप क्या करोगे, एक एक आर एम को 14 माइनस 12.7, 13 माइनस 12.7 एंड सो ऑन, ऐसे करके आप ये वाला कॉलम निकालोगे, फिफ्थ कॉलम. ठीक है, ये हो जाएगा आपका आर एम माइनस आर एम बार. अब आपको क्या चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए एक कॉलम चाहिए. कोवरेंस की फॉर्मूला याद करो, आर पी माइनस आर पी बार मल्टीप्लाइड बाय आर एम माइनस आर एम बार. तो दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने का, फिर एक और कॉलम मिलेगा जिसको बोलेंगे आर पी माइनस आर पी बार आर एम माइनस आर एम बार. दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया मतलब बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है. तो दोनों फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम को हमको मल्टीप्लाई करना है और उसका समेशन निकालना है. 3 समेशन ही तो होता है आपका कोवरेंस का न्यूमरेटर. ये देखो समेशन ऑफ दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के कॉलम का टोटल, समेशन मतलब टोटल मतलब 3. ये देखो 3 मिल गया आपको, दिख रही है फॉर्मूला में न्यूमरेटर 3 दिख रहा है आपको? यस और नो? यस यस. अब क्या करेंगे, होल डिवाइडेड बाय, पहले मैं कोवरेंस को पूरा कर रही हूँ. होल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन. एन मीन्स 4, 4 माइनस 1 मतलब 3, 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1. मतलब कोवरेंस कितना आया आर वन और आर एम का? 1. कोवरेंस ऑफ आर एम सॉरी कोवरेंस ऑफ आर वन आर एम ऐसे बोलते हैं, कोवरेंस ऑफ आर वन आर एम इज इक्वल्स टू 1. चलो न्यूमरेटर तो मिल गया मुझे डिनोमिनेट बीटा का. अब डिनोमिनेटर देखते हैं. डिनोमिनेटर की फॉर्मूला होती है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट की फॉर्मूला क्या होती है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना, तो सिर्फ आर एम लेना पड़ेगा, आर वन नहीं लेना पड़ेगा इसमें. तो फॉर्मूला कैसे बनेगी, समेशन ऑफ द होल स्क्वायर ऑफ, मतलब आपको स्क्वायर किसका निकालना है, आर एम माइनस आर एम बार का द होल स्क्वायर निकालना है. तो जब आप आर एम माइनस आर एम बार का द होल स्क्वायर निकालोगे ना, तो उसका समेशन लेना है डिवाइडेड बाय एन माइनस वन. तो आपको कॉलम बनाना पड़ेगा इसका स्क्वायर का. आपने फिफ्थ कॉलम निकाला था आर एम माइनस आर एम बार, बस उसका स्क्वायर करो. आर एम माइनस आर एम बार जो फिफ्थ कॉलम था उसका स्क्वायर बनाना है. लास्ट कॉलम एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको बनाना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट के लिए. याद आ रहा है बीटा कैसे करते थे? यस मैम. सो आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर, ये पूरे कॉलम का मल्टीप्लाई करते जाओगे 1.25 इंटू 1.25, 0.25 इंटू 0.25, माइनस 0.75 इंटू माइनस 0.75 विल बी कंसिडर्स प्लस 0.56. समझ में आ रहे प्लस क्यों, क्योंकि माइनस माइनस बिकम्स प्लस. आप इसका टोटल करेंगे चारों का टोटल, तो आपका टोटल आएगा 2.75. मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का न्यूमरेटर मिल गया 2.75. होल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन मतलब 4 माइनस 1. सो 2.75 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर आएगा 0.91 या 92. आप बनाकर पीछे के नंबर्स इग्नोर करोगे. तो फाइनली हमारा बीटा कैसे लगेगा, बीटा की फॉर्मूला क्या होती है, कोवरेंस आर एम आर वन, सॉरी उल्टा बोल दिया, कोवरेंस ऑफ आर वन आर एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, 1 डिवाइडेड बाय 0.92. सो आपका आंसर आएगा 1.09. ये आपका बीटा निकला, बीटा.
अब बीटा कितना निकला 1.09, इसी को ही तो आपको केपेन की फॉर्मूला में यूज करना है। ये देखो पतलू लिमिटेड का केपेन, आरएफ प्लस बीटा। आरएफ कितना है ऊपर क्वेश्चन में सबसे पहली पहली लाइन पे आरएफ दिया था 7%। ये देखो आरएफ इज 7%। अभी अभी मुझे बीटा कितना मिला 1.09। ये देखो तो फॉर्मूला में आ जाओ, 7% प्लस 1.09 ब्रैकेट आरएम। अभी आप बोलोगे मैम आरएम किधर से लाएंगे, अभी अभी तो निकाला था आरएम, आरएम निकाला था ना आपने आरएम। आरएम का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आरएम का मतलब होता है आरएम बार। देखो आप बोलोगे मैम आरएम लिखना है ना यहाँ पे, तो आरएम तो चार है ना, 14 13 12 12। एक्चुअली तो आरएम चार है क्योंकि 4 ईयर्स की इंफॉर्मेशन है, तो मैं 4 आरएम का अलग अलग थोड़ी निकालती बैठी हूँ कैपेन। नहीं मुझे तो टोटल निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स टोटल 4 ईयर्स के निकालने होते, तो मुझे 4 साल का आरएम लेना है। अभी 4 ईयर्स का आरएम है तो सिर्फ प्लस थोड़ी करेंगे, डिवाइड बाय एन भी तो करेंगे, मतलब एवरेज मीन आरएम बार। तो याद रखो कैपेन की मेथड में जो आरएम होता है ना वो आरएम बार होता है, हम लिखते आरएम है पर लेंगे क्या आरएम बार, क्योंकि चारों का अलग अलग थोड़ी निकालते बैठेंगे, एक ही एवरेज निकालना है मुझे एवरेज, तो लेंगे भी एवरेज, तो हम आरएम में क्या लेंगे बोलो, आरएम बार। आरएम बार, वेरी गुड, आरएम मतलब आरएम बार। अभी अभी हमने आरएम बार कितना निकाला था, कर्सर 12.75 को माइनस करेंगे आरएफ से, आरएफ ऑलरेडी दिया हुआ है 7। सो फॉर्मूला कैसे बनेगी, 7 प्लस 1.09 ब्रैकेट 12.75 माइनस 7। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 1.09 हम तब तक सेम लिखेंगे जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं होता, सो मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आंसर आएगा 5.75। अब 7 प्लस को सेम लिखेंगे और पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6.27। पीछे के नंबर्स मेरे काम के नहीं है, और दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 13.27। और यही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, किसका, कौन सी कंपनी का, पतलू, यस पतलू लिमिटेड। ठीक है पी लिमिटेड आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, और ऐसे ही आपको एम लिमिटेड भी कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट करो, कुछ डाउट है इसमें? No, ma'am. ठीक है? आरएफ 7% ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से ही आपका क्वेश्चन है, ऊपर सिर्फ आरएफ दिया हुआ 7% और कुछ भी नहीं ऊपर ऊपर वाले स्टेटमेंट में, तो आप यहाँ से अभी शुरू करो, पहले बीटा कैलकुलेट करो फिर कैपेन। हम पहले कर रहे हैं पतलू लिमिटेड का, तो पतलू लिमिटेड का पहले बीटा फिर कैपेन, और फिर आप मोटू लिमिटेड का पहले बीटा फिर कैपेन, ऐसे कैलकुलेट करना है। आया समझ में सबको? यस मैम। डू इट, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई मीन आई एम गिविंग यू 5-7 मिनट्स। हो गया सबका, हुआ लिखते हो? यस मैम, यस। सो अभी नेक्स्ट आप होमवर्क कर सकते हो मेरे ख्याल से, वो एम लिमिटेड वाला। तो थर्ड सम में एम लिमिटेड होमवर्क है, ठीक है? हो गया मैम, मोटू ना वो भी हो गया? हाँ वही कर रही थी मैम। अच्छा ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फोर्थ, अभी इसमें एक न्यू पॉइंट है, जल्दी देखो फटाफट, विल ट्राई आवर बेस्ट, आज अगर कंप्लीट हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंडे को। ओके मैम। हाँ सिक्योरिटीज, ये देखो ए लिमिटेड से लेकर डी लिमिटेड, मतलब 4 सिक्योरिटीज हैं, उनका इनिशियल प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल प्राइस मतलब बिगिनिंग में जब आपने परचेज किया था, डिविडेंड भी दिया हुआ है, ठीक है, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब मार्केट प्राइस ही होता है,
ठीक है, जब बेचने के टाइम पे, और बीटा फैक्टर दिया हुआ है। मतलब इन शॉर्ट है ना, अभी आप बोलोगे मैम इनिशियल प्राइस, वाकई प्राइस, डिविडेंड, ये सब क्यों दिया है? क्योंकि रिटर्न्स नहीं दिए, एक्चुअल रिटर्न्स नहीं दिए, तो आपको एक्चुअल रिटर्न्स कैलकुलेट करने। क्या बोल क्या रहा है, चलो देखते हैं। रिस्क फ्री रिटर्न्स कितने हैं, 14%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यूजिंग यूजिंग केपेन, एवरेज रिटर्न्स ऑन द पोर्टफोलियो। देखो एवरेज रिटर्न्स एआर, मतलब जो कॉलम दिया होता है ना एआर का, अब वो नहीं दिया और आपसे पूछा भी है कि कैलकुलेट करो, ये पूछ सकते हैं, ऐसे मत समझना एआर नहीं पूछेंगे वो लोग केपेम की फॉर्मूला में, बस केपेम ही पूछेंगे केपेम के चैप्टर में, ऐसे नहीं होते हैं। अब एआर भी पूछा, एआर का मतलब एवरेज आप रिटर्न्स कितना अर्न करते हो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स याद है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स, यस मैम, उसमें हम यही तो करते थे, इनिशियल प्राइस माइनस मार्केट प्राइस प्लस डिविडेंड अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स वाली तो फॉर्मूला है, और क्या है स्टेप नंबर वन, परचेज प्राइस मतलब इनिशियल प्राइस बिगनिंग, हां परचेज प्राइस एंडिंग, फिर माइनस करते थे हम, फिर निकालते थे सेलिंग प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, फिर थर्ड स्टेप में दोनों को माइनस करके कैपिटल गेन निकालते थे, यहां पे भी वही किया, ये देखो मार्केट प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, टोटल 6 स्टेप में मैम हम निकालते थे। हां तो इन्होंने वो डायरेक्ट वाली फार्मूला लगाई, टोटल 6 स्टेप में होल्डिंग रिटर्न पीरियड्स निकालते थे। हां पर उन्होंने यहां पे डायरेक्ट फार्मूला लगाई है, तो मैं आपको क्लिक करवा रही हूं। स्टेप नंबर 3 में कैपिटल गेन निकालते थे, मार्केट प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, मतलब इसका मतलब वो है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में हम डिविडेंड निकालते थे, और स्टेप नंबर 5 में हम कैपिटल गेन और डिविडेंड को ऐड करते थे, तो ये उन्होंने भी वही किया, मार्केट प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस से आपको कैपिटल गेन निकलेगा, कैपिटल गेन में डिविडेंड ऐड कर दिया। स्टेप नंबर 5 में हम क्या निकालते थे, दोनों को ऐड करके टोटल रिटर्न्स, याद आया? तो न्यूमरेटर में भी टोटल, न्यूमरेटर में टोटल रिटर्न्स डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100, ये फॉर्मूला होती थी जो स्टेप नंबर 6 में लगाते थे हम एचपीआर की, बस वही है, सेम है, एचपीआर पूछा है उन्होंने इन शॉर्ट। तो अभी देखो हमने फॉर्मूला लगा दी, मार्केट प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस प्लस डिविडेंड अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। अब आपको क्या करना है, एक एक का दिया हुआ है, देखो इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, सबका इनिशियल प्राइस मार्केट प्राइस डिविडेंड सबका दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सबको टोटल करना है, चार है ना, चारों का अलग अलग है ना, सबको प्लस करो, आपने सब में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उसका इनिशियल प्राइस है ए का 25, बी का 35, ऐसे करके टोटल है 1,105। तो आपका इनिशियल प्राइस क्या हो जाएगा 1,105, मार्केट प्राइस का टोटल क्या हो जाएगा 1,250। आपको समझ आ रहा है मैं टोटल क्यों कर रही हूँ? यस मैम, क्योंकि आपको एवरेज एवरेज, हाँ एवरेज रिटर्न्स चाहिए, तो सबको टोटल करके डिवाइड करेंगे, तो वो एवरेज, एवरेज मतलब क्या, सबका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पे इनिशियल प्राइस है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना पड़ता है, हम यहाँ पे प्राइस को देखते हुए रिटर्न्स निकाल रहे हैं ना। चलो आगे देखो, इनिशियल प्राइस को मार्केट प्राइस से माइनस करेंगे प्लस टोटल डिविडेंड, 2+2+2+ 140, तो 146 आपका टोटल डिविडेंड, मतलब इन शॉर्ट सबका टोटल, और मार्केट प्राइस में से इनिशियल प्राइस को माइनस करना है और डिविडेंड प्लस करना है, ध्यान से, डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस का टोटल इनटू 100, तो आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ मार्केट, ये आपको मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न्स, मतलब आरएम, जब तक आप ये आरएम ही नहीं ढूंढोगे, जब तक आप आरएम नहीं ढूंढोगे, तब तक आप केपीएम की फॉर्मूला कैसे लगाओगे? तो ये मार्केट का ही तो निकाल रहे थे हम, आरएम, आरएम दैट इज रिटर्न्स ऑन मार्केट, तो मार्केट प्राइस में से इनिशियल प्राइस माइनस किया तो रिटर्न्स ऑन मार्केट ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? समझ में आया कि नहीं? यस मैम, मतलब ना मैम एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट, मतलब मैम सुनो ना, एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न और आरएम, ये तीनों सेम ही है इनडायरेक्टली। नहीं नहीं देखो मेरी बात सुनो, जो इसने सेकंड बोला है ना एवरेज रिटर्न निकालो, वो एक अलग चीज उन्होंने पूछी, एवरेज मतलब अभी हम चारों को प्लस करके कर रहे हैं ना बच्चा, एवरेज का मतलब क्या होता है, चारों सालों का एवरेज कितना तो डिवाइड बाय 4, 7 का एवरेज कितना तो डिवाइड बाय 7, अभी जो एवरेज अभी जो हमने निकाला वो भी रिटर्न ही है, पर हमने टोटल निकाला, टोटल
मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मार्केट का टोटल निकाला, मतलब मार्केट से रिलेटेड हो गया, यस और नो? यस। तो अब हमने जो निकाला वो टोटल रिटर्न्स निकाला, और वो जब तक टोटल मार्केट रिटर्न्स नहीं निकालेंगे तब तो कैपएम की फॉर्मूला मिलेगी, क्योंकि नहीं दिया हुआ है ना, आप पूरा सम ढूंढ लो, आरएफ नहीं दिया हुआ है हमको। हाँ। फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए? आरएफ दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, आरएम माइनस आरएफ, आरएफ दिया हुआ है लेकिन आरएम नहीं दिया हुआ है ना, तो पहले आरएम तो निकाल लो। तो ये फॉर्मूला थी आरएम की, मतलब होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स की फॉर्मूला की मदद से हमने आरएम निकाला। अब आरएम निकल गया, देखो 26.33% आरएम निकल गया। अब देखो यहाँ पे नीचे कैपएम की फॉर्मूला लगाई है उन्होंने, आरएफ कितना है क्वेश्चन में पढ़ो, 14% दिख रहा है आपको? 14%, यस मैम। 14% में ऐड करो बीटा ए लिमिटेड का 0.8, हम लोग ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड अलग अलग करेंगे, लेकिन सब में आरएम एक ही होगा 26.33, क्योंकि आरएम मतलब आरएम बार होता है, मतलब सबका एक साथ जो होता है ना वो लेते हैं हम, जो मार्केट इंडेक्स लेते थे हम। हाँ ठीक है, तो हाँ जो मार्केट इंडेक्स लेते थे ना वो नहीं दिया हुआ है, तो हमने वो कैलकुलेट किया 26.33, ठीक है। तो 14 प्लस 0.8 ब्रैकेट 26.33 जो आरएम अभी हमने कैलकुलेट किया माइनस 14 मतलब आरएम। अभी आप सॉल्व करोगे ऐसे ही, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, उसके बाद ध्यान से सुनो, उसके बाद जो आपके आंसर्स आएंगे ना कैपएम के उसी को ही एवरेज निकालना है सेकंड पॉइंट में। देखो आपका फर्स्ट का कैपएम आंसर क्या आया 23.86, ये देखो 23.86, प्लस बी का आंसर क्या आया 22.63, सी का आंसर क्या आया 20.17, और डी का आंसर क्या आया 26.21, इन सबको प्लस करेंगे डिवाइड बाय 4 हो गया आपका एवरेज। अभी क्लियर हुआ? हाँ, अभी देखो पहले वाले सम में, पहले वाले सम में बीटा नहीं था, बीटा और आरएम नहीं था, तो हमने बीटा और आरएम कैलकुलेट किया फिर कैपएम लगाया, और अब हमारे सम में बीटा तो है पर आरएम नहीं है, तो पहले आरएम निकाला होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स की फॉर्मूला लगाकर, और उसके बाद हमने कैपएम निकाला और कैपएम के सारे आंसर्स को प्लस करके एवरेज निकाला। अब समझ में आया कैसे करना है? हाँ मैम, अब समझा। चलो कैलकुलेट करो, आंसर्स निकालो और 5 मिनट्स में आप पूरा कीजिए, ठीक है? ओके मैम। टीचिंग 7 मिनट्स दिखा रहा है, आप 7 मिनट्स ले लो, ये पूरा कंप्लीट करो, अच्छे से लिख लो और फिर मीटिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है? ओके मैम। या